नमस्कार बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और क्यों इसका इतना उत्साह रहता है, इसके पीछे आखिर क्या कहानी है, ये आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को पूरे आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहनें इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं तो भाइयों को भी साल भर इस दिन का इंतजार रहता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये पर्व आस्था और विश्वास को समेटे है। रक्षाबंधन को लेकर कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इस पर्व के महत्व को बताती हैं। देवी शची और इंद्र की कथा। माना जाता है कि सबसे पहले राखी देवी शची ने अपने पति इंद्र को बांधी थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं में 12 वर्ष तक भयंकर युद्ध चला। असुरों ने देवताओं पर जीत हासिल की और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, धर्म का नाश होने लगा। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली और तभी देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र का विधान करने के लिए कहा और रक्षा सूत्र की वजह से एक बार फिर देवताओं की विजय हुई। देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। रक्षाबंधन को लेकर माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा भी प्रचलित है। भगवान विष्णु के वामन अवतार के दौरान भगवान ने दानवेंद्र राजा बलि से 3 पग में सारा राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था। इस दौरान राजा बलि ने भगवान विष्णु को मेहमान के रूप में पाताल चलने को कहा था, जिसे भगवान विष्णु इनकार नहीं कर सके। जब लंबे समय तक भगवान विष्णु बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी परेशान हो गईं। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उपहार में भगवान विष्णु को मांग लिया। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत में भी रक्षाबंधन को लेकर प्रसंग आता है। राजसीय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ में भी चोट लग गई थी। उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा का वचन दिया था। हस्तिनापुर में भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो भगवान ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी और अपना वचन निभाया। कर्णावती और हुमायूं। रक्षाबंधन का पर्व जाति, धर्म और बंधनों से परे है। रक्षाबंधन को लेकर एक किस्सा मुगल काल से भी जुड़ा है। जब बादशाह हुमायूं चित्तौड़गढ़ पर हमले के लिए आगे बढ़ रहा था, राणा सांगा की विधवा कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया था। हुमायूं ने वचन निभाया और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण नहीं किया था। इतना ही नहीं, राखी की लाज रखते हुए हुमायूं चित्तौड़गढ़ और रानी कर्णावती की रक्षा के लिए बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़े हो गए थे। ऐसी कई कहानियां रक्षाबंधन को लेकर प्रचलित हैं, किस्से कई हैं, लेकिन मायने भाई और बहन के असीम स्नेह और अपनत्व के ही समाये हुए हैं, जहाँ ना धर्म का बंधन है ना जाति और समुदाय का, बल्कि बंधन प्रेम और रक्षा का है, जिसकी डोर से भाई और बहन बंधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बहन से। ग्वालियर की रहने वाली किरण वाजपेयी और बिग्वी के बीच भाई बहन का रिश्ता है। 40 साल से ये रिश्ता जारी है और वो अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी भेजना कभी नहीं भूलती। बिग बी को बहन की राखी। 40 साल से जारी भाई बहन का रिश्ता। ग्वालियर की किरण वाजपेयी को रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये वही मौका होता है जब वो अपने भाई सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को राखी भेजती हैं। 40 साल से उनका भाई बहन का रिश्ता जारी है। हर रक्षाबंधन पर प्यार और स्नेह के धागे से बनी राखी भेजना नहीं भूलती और भैया बच्चन भी संदेश देना नहीं भूलते कि बहना, रक्षाबंधन पर तुम्हारी राखी मिल गई थी। मुझे उन्हें राखी भेजते हुए करीब करीब 40 साल हो गए और एज ऑफ 18 साल की जब मैं थी तब मैंने उन्हें पहली बार राखी भेजा था और इस बार भी मैंने राखी भेजा है, क्योंकि ये त्यौहार जैसे ही आता है तो एक अलग सी अनुभूति मन में आती है। मेरा भाई जो कि मेरे से बहुत छोटा है, जब मैंने अमित जी को अपना भाई माना था तब मेरे भाई नहीं था,
तो मैं अपने भाई को जब राखी बांधती हूँ तो उससे ज़्यादा खुशी और उत्साह मुझे तब होता है जब एनवलप में रख के मैं अमित जी को राखी भेज रही होती हूँ। किरण जब 18 साल की थी तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना भाई माना था और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब हम छोटे थे तो उस समय मेरे कोई भाई नहीं था, हम लोग 5 बहनें हैं, तो सब लड़कियों के सब सहेलियों के भाई होते थे, तो रक्षाबंधन पे उसका एक आनंद भी अलग रहता है। तो उस समय अमिताभ जी की मजबूर पिक्चर आई थी और मैंने उस पिक्चर को देखा तो फरीदा जलाल उनकी बहन बनी थी, तो मैंने अपनी माँ से आके कहा कि माँ मेरे कोई भाई नहीं है तो मैं इन्हें अपना भाई बना लूँ क्या? तो मेरी माँ ने कहा बना लूँ। तो फिर मैंने माँ से पूछा कि कैसे बना लूँ, तो माँ ने कहा भाई को राखी बांधी जाती है तो तुम राखी भेज दो। किरण का कहना है कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अपने भाई अमिताभ बच्चन से मिलने का सपना पूरा हुआ था। करीब 2.5 घंटे वो उनके साथ रही, इस दौरान वो राखी लेकर भी पहुंची थी। साथ ही वादा लिया था कि अब जब राखी मिलेंगी तो फोन पर संदेश देना, और बिग बी ने भी वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। मैं एक राखी लेके गई थी वहाँ केबीसी में, जब गई थी तो मैंने दूर से फिर उनको वो राखी दिखाई ऐसे करके कि मैं आपके लिए राखी लेके आई हूँ और 40 साल का ये जो मेरा इंतज़ार था कि मैं आपके हाथ में राखी बांधूँ, ये इंतज़ार मेरा पूरा हुआ। और 2.5 घंटे हम लोग आमने सामने थे अमित जी और मैं, क्योंकि 2.5 घंटे हमारा शूट चला था और बहुत सारी बातें हुई थी। मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया है तो शायद वो मेरा पूरा हो। मैंने उनसे ये कहा था कि इस बार जब भी आपको मेरी राखी मिलेगी तो आप मुझे एक फ़ोन या एक मैसेज ज़रूर करेंगे। यही तो भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती है। इस रिश्ते में प्रेम का धागा इतना मजबूत होता है कि बड़े छोटे का फर्क खत्म हो जाता है, और सदी का महानायक भी भाई बनकर रिश्ते को निभाने में पीछे नहीं रहता। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर उस बहन के लिए बेहद खास है जिसकी रक्षा और तरक्की के लिए भाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐसी एक शख्सियत का नाम है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिन्होंने दुर्ग की धरती से राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय कर अपनी अलग पहचान कायम की। सरोज पांडे खुद ये मानती हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे कभी ना सामने आने वाला वो भाई रहा जिसने रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़कर अपनी बहन को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमेशा हर चुनौती के वक्त वो ढाल बनकर खड़े रहे। पेश है रक्षाबंधन पर एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का ये पर्व आम से लेकर खास तक सभी बहनों के लिए खास मायने रखता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी साल भर इंतजार करती हैं सिर्फ रक्षाबंधन के इसी पर्व का, जब वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध उनके प्रति अपना स्नेह और कृतज्ञता जाहिर कर सके। क्योंकि राजनीति का ये सफर सांसद सरोज के लिए मुमकिन हो सका है सिर्फ और सिर्फ उनके भाई राकेश पांडे की वजह से, जिन्होंने अपनी बहन को आगे बढ़ाने अपनी पूरी उम्र लगा दी। मुझे लगता है कि राजनीति बहुत कठिन है, और कठिन राजनीति में कई बार लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो और मध्यम वर्गीय परिवार की अगर कोई लड़की राजनीति में आती है तो लोग उसे बहुत बेहतर नज़रिए से पहले नहीं देखा करते थे। ऐसे समय पे भी मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने जो चाहा जो करना चाहा उसके लिए वो हमेशा पीछे खड़े रहे, कभी प्रश्न नहीं, कभी किसी विषय पर संशय नहीं, कभी कोई ऐसा स्थान नहीं जिस पे मुझे उत्तर देना पड़ा, तो शायद ये मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाता था और उसके कारण ही मैं यहाँ आ पाई। अपने स्कूल के दिनों को याद कर आज भी सरोज पांडे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो याद करती हैं कि जब स्कूल जाने का मन नहीं करता था तब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बड़े भाई का ही सहारा लेती थी। हम सब 4 बहने हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, अपनी सभी बहनों के भाई राखियाँ आज मैं अपने भाई को बांधती हूँ, तो हम सब हमेशा इंतज़ार करते हैं और मेरे भाई ने मुझे हमेशा संघर्ष के पलों में बहुत मजबूती के साथ मेरे पीछे खड़े रहे, और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जब जीवन की शुरुआत करी, मैं जब स्कूल पढ़ने गई, पहली क्लास में गई, तो मैं स्कूल जाने से बहुत रोती थी, उस समय जाना नहीं चाहती थी। मेरा भैया 5वीं में पढ़ता था तो मुझे स्कूल लेकर जाने का काम मेरा भाई ही किया। हर भाई को या देश के हर पुरुष को किसी भी परिवार के सदस्य के लिए भले वह सपोर्ट न कर सके,
भले वह साथ न खड़े हो, लेकिन बाधा मत बने। यदि वो बाधा नहीं बनेंगे तो वो महिला जरूर प्रगति करेंगी, अपने हुनर को सामने ला पाएंगी, और यदि सपोर्ट करें तब तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। सांसद सरोज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक अलग पहचान रखती हैं। सरोज ने लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और भाई के साथ ने ही हर मुश्किल मोड़ और कठिन डगर को आसान बना दिया। तभी सरोज पांडे रक्षाबंधन के पर्व को पूरी तरह से अपने भाई पर समर्पित करती हैं, जो जिंदगी के अच्छे और बुरे हर वक्त में उनके साथ खड़े रहे। अनुभूति भाकरे ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। क्या आपने कभी सुना है वृक्षों की राखी के बारे में? यदि नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि जिसके साथ रहो उससे लगाव हो जाता है, और ठीक ऐसा ही कुछ लगाव दुर्ग जिले के ग्राम इडरे वासियों को पेड़ों से हो गया है, वृक्षों से हो गया है, और ग्रामीण इन पेड़ों को राखी बांधकर रक्षा का वचन भी लेते हैं। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं राखी त्योहार ही रक्षा का है, फिर चाहे वो बहने हो या पेड़। जी हाँ, दुर्ग जिले के डूंडेरा गांव के लोगों के लिए रक्षा बंधन का मतलब ही उन पेड़ों की रक्षा करना है जो लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। रक्षा बंधन पर डूंडेरा के लोग इन पेड़ों के लिए खुद ही राखी तैयार करते हैं और आरती उतारकर चंदन लगाकर उन्हें राखी बांधते हैं। इस गांव में ये परंपरा सालों से चली आ रही है। मैं छोटी थी तब से हम लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं, अपने भाइयों के साथ साथ हम पेड़ों को भी राखी बांधते हैं। रक्षा सूत्र बांधकर इसका संरक्षण का संकल्प लेते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन पेड़ों के साथ मेरा एक अटैचमेंट सा हो गया है, क्योंकि ये पेड़ भी मेरे साथ बढ़ते गए हैं। हम इनको इन पेड़ों पे बांधेंगे क्योंकि पेड़ भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। बाजार में ना ऐसी बड़ी रस्सी वाले धागे राखी नहीं मिलती, इसलिए हमने इसे खुद से बनाया है। मुझे इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, कब आएगा ऐसे मैं सोचती रहती थी। दरअसल करीब 30 साल पहले भिलाई स्टील प्लांट ने मरोदा डैम से लगे डूंडेरा गांव से 18 करोड़ की लागत से करीब 2000 एकड़ पर 10 लाख पौधे लगाए, लेकिन पौधे लगाकर वो इनकी सुरक्षा करना भूल गए। पेड़ बड़े हुए तो लकड़ी तस्करों की नजर इन पर पड़ी, बस फिर क्या था, रातों रात पेड़ ठूंठ में बदल गए। तभी गांव के युवा रोम शंकर यादव और उनके साथियों ने पेड़ पर चलने वाली कुल्हाड़ी को रोकने की कोशिश शुरू की और इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। और हर तरह के प्रयत्न किए हम लोग, प्लांटेशन भी किए ताकि लोग प्रेरित हो, और आज स्थिति यह बन गई है कि गांव में प्रायः बहुत सारे लोग जो है अब जन्मदिन पर वृक्षारोपण करने लगे हैं। और उसके अलावा अगर कृषि की मृत्यु होती है तो उनकी स्मृति में भी वृक्षारोपण किया जाता है। अविश्वसनीय लगता है जो काम जब हम लोग झुंड में हम लोग जाते थे तो झुंड में वो लोग टंगिया लेके आते थे दौड़ाने के लिए, तो हम लोग को डर भी लगता था जान का, फिर भी जान का परवाह न करते हुए हमारे ज्ञान भाई, हमारे रोमशंकर भाई, इन लोग बहुत संघर्ष किए हैं, उनके साथ मैं भी था रहता था, और आज इस पेड़ को बचाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। आज इन पेड़ों की रक्षा के लिए पूरा गांव जुटा हुआ है, मानो ये पेड़ उनके परिवार का हिस्सा हो गए हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इन्होंने 50,000 ठूंठ को सहेजा और उन्हें हरा भरा पेड़ बना दिया। देखते देखते मन गदगद हो जाता है, कारण कि बचपन से हमने काम किया है यहाँ। पहले जब नर्सरी के लिए वहाँ पर पेड़ बना हुआ था तो उसमें पेड़ में मिट्टी डालते थे, पौधे लगाने जाते थे, वही मतलब रोजाना 150 रुपये के हिसाब से भी हमने काम किया है। तो उस टाइम में पैसे की मायने ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से हमने पौधे तैयार किए और लगाए भी, और उसके बाद फिर जल जंगल जमीन वाली जो बात हुई तो असंगवारी का निर्माण किया, उसके बाद आज इतने बड़े बड़े हो गए पौधे, ये तो खुशी की बात है। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तब यही पेड़ लोगों को भरपूर ऑक्सीजन दे रहे थे। यही वजह थी कि कोरोना का असर डूंडेरा गाँव में ना के बराबर रहा। इस रक्षाबंधन पेड़ों को राखी बांध हितवा संस्था के सदस्य अब आस पास के गांवों में भी हरियाली बिखेरने का संकल्प लेकर काम में जुटे हुए हैं। अनुभूति भाकरे ठाकुर, दुर्ग। तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के स्नेह का त्योहार है, जिसे हर कोई अपने घर में हर्षोल्लास के साथ मनाता है। देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात सिपाही इस त्योहार पर अपनी बहनों के पास नहीं जा सकते, ऐसे में बैतूल की महिलाओं ने फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी हैं।
लिफाफे में पैक की जा रही ये रंग बिरंगी राखियां, ये राखियां बेहद खास हैं, क्योंकि ये उन भाइयों के लिए हैं जो देश की करोड़ों बहनों की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। बैतूल के राष्ट्रीय रक्षा मिशन से जुड़ी महिलाएं हर साल सरहद पर तैनात अपने फौजी भाइयों को राखी भेजती हैं। इस साल भी करीब 21,000 राखियां सैनिकों के लिए डाक से भेजी गई हैं। वहीं कुछ बहनों का एक दल 1,000 राखियां लेकर लेह लद्दाख की बॉर्डर के लिए भी रवाना हुआ है और ये बहनें बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगी। तो ये हमारा 22वां साल है, 22 साल से वो लगातार जा रहे हैं। कोरोना के कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो हमने आमला में जो वायुसेना है वहाँ पे हमने रक्षाबंधन मनाया, और इस साल हमने 21,000 राखियाँ तो पोस्ट की हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे। उसके अलावा 1,000 राखियाँ लद्दाख, लेह लद्दाख लेके हमारी बहनें यहाँ से निकली हैं 17 तारीख को। 22 तारीख का रक्षाबंधन का प्रोग्राम वहाँ पे मनाएंगे और 27 को दोपहर तक वो लोग वापस आने वाले हैं। ये मिशन तो जब तक हम लोगों की कोशिश रहेगी, जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और हम तैयार कर रहे हैं। हमारा जो बर्ड्स ऑफ बैतूल है वो हमारे उन बच्चों का ग्रुप है जो कि हमारे बाद में वो लेगेसी आगे लेके जाएंगे। कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुई इस परंपरा से लगातार महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, और इस परंपरा की एक विशेष खासियत भी है, सीमा पर तैनात वीर सिपाहियों के लिए स्नेह के रूप में जो राखियां भेजी जा रही हैं उन्हें बहनें अपने हाथों से खुद तैयार करती हैं। हर मौसम में हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होते हैं, वहाँ हमारी रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। इस स्नेह के पर्व पर भी वो अपने घर नहीं आ पाते, तो हमने ये सोचा कि हमारे हाथों से बनी हुई राखियाँ और हमारा स्नेह उन तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास है हमारे भाइयों के लिए। तो हमने भी इस बार रजक समाज की तरफ से 151 राखियाँ बनाकर की है, जो कि 22 तारीख को रक्षाबंधन के पर्व पर लेह लद्दाख की सरहद पर हमारे सैनिक भाइयों के हाथ में बांधी जाएगी। देश की सुरक्षा में तैनात सिपाही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मना सकें, इसलिए महिलाओं ने इस परंपरा की शुरुआत की। यकीनन इस परंपरा से उन भाइयों को बहन का प्यार मिल सकेगा जो रक्षाबंधन पर अपने घर से दूर हैं। इस परंपरा से रक्षाबंधन के दिन बॉर्डर पर तैनात हर भाई की कलाई पर भी राखी होगी। बंसल न्यूज के लिए बैतूल से सत्येंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। तो हर साल रक्षाबंधन पर बहन जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो बहन भाई की लंबी उम्र की कामना भी करती है और भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है। लेकिन इसकी असल मिसाल पेश की है भाई बहन की इस जोड़ी ने, जहां एक बहन ने भाई को किडनी देकर ना सिर्फ उसकी जान बचाई लेकिन रक्षा करने के वादे को भी ताउम्र के लिए पूरा कर दिया। ये राजकुमारी ठाकुर है, सड़क किनारे भुट्टा बेचते देखकर आप इनकी माली हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी माली हालत जरूर कमजोर है लेकिन इनका दिल काफी बड़ा है। इन्होंने अपने भाई को जीवन दान का तोहफा दिया है, अपनी किडनी दान में देकर। तो पुलिस से डांटा रहा कि तो बड़े बहनी है, दे सकते 40-42 साल की तो बहनी है तो दे सकते कहीं। मैं भी बोले भैया मोर एक जन भाई है, मोर भाई स्वस्थ रही, ढाबा चला दे पंजाबी ढाबा, तो मोर भाई जियत रही तो मह खुश हो। मोर छोटे छोटे भतीजा है, 3 मोर भाई भतीजा है, तो मोर भाई बढ़िया रही तो मैं भी बढ़िया रहूँ। तो दोनों भाई बहनी बहुत अच्छा खुश हैं और मैं बोले कितनी अपने आप से दान कर दे। अपनी तकलीफों को याद करते हुए आज भी दोनों भाई बहन का गला भराता है। पेशे से आनंद एक ढाबा संचालक है। 2 पहले हैदराबाद के निजी अस्पताल में आनंद का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। बड़ी बहन के इस उपकार को याद करते हुए उनकी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं। आनंद कहते हैं कि उनकी बहन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन में गिफ्ट मेरा बहन बहुत बड़ा गिफ्ट किया है रक्षाबंधन के अवसर में, और उसके लिए अपने बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किडनी दान की करी थी और मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है। रक्षाबंधन में मेरे यानी कि किडनी का मेरा बहन बड़ा वाला बहन दान किया है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरा बहन बहुत बड़ा दान किया है मेरे को किडनी का। भाई बहन के इस रिश्ते ने पूरे इलाके में एक मिसाल पेश की है।
भाई बहन के इस अनूठे प्रेम की कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है। हर साल जब भी रक्षाबंधन पर राजकुमारी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। इन दोनों के स्नेह को देखकर हर कोई दुआ करता है भाई बहन की ये जोड़ी जन्मों जन्म तक सलामत रहे। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा। तो रक्षाबंधन के त्योहार में भाई बहन के प्यार की मिठास होती है। बहनें जब भाई को राखी बांधती हैं तो खास मिठाइयों से अपने भाई का मुंह भी मीठा कराती हैं। और मिठास से भरे इस त्योहार में खुरचन का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विंध्य में इसके बिना त्योहार की मिठास नहीं बढ़ती। तो चलिए अमरपाटन, जहाँ खास तरीके से इस खास मिठाई को बनाया जाता है। यही है वो स्पेशल मिठाई जिसमें बसा है विंध्यांचल के जायके का स्वाद। दूध को कड़ाही से खुरच कर बनाने वाली ये मिठाई खुरचन के नाम से प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कई राज्यों में मशहूर है। तो बहुत दिनों से बन रहा है भैया जी। कितने सालों से आप बेच रहे हैं? 500 साल से हो गए, मेरे बब्बा जी लोग बेचते थे, अभी तो मैं बैठा हूँ। अच्छा, ये कहाँ कहाँ फेमस, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, बम्बई, अमेरिका तक मैं भेजा हूँ। पिछले करीब 65 सालों से दूध की खुरचन से स्वादिष्ट अंदाज में साल भर यूं तो ये मिठाई बिकती है, लेकिन त्योहारों के मौके पर विंध्याचल के इस जायके का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। दूध की खुरचन से तैयार होने वाली इस मिठाई की डिमांड काफी बढ़ गई है। सर, इसकी मांग तो शायद बहुत दूर दूर तक है, बॉम्बे, भोपाल, बेंगलोर, एटलीस्ट मैंने सुना है जहाँ तक अपने बब्बा जी लोगों से, तो विदेश तक भी इस मतलब इसकी मार्केटिंग होती है। सर हाँ, ये मतलब मोस्टली ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, खुरचन ही माना जाता है। वो इसी से सबके घर का चूल्हा चलता है। हाँ, अधिकतली तो यही होता है, खुरचन से ही माना जाता है। खुरचन मिठाई पूरे विंध्याचल की पहचान बन चुकी है। यहाँ से गुजरने वाला हर राहगीर इसका स्वाद चखने और अपने परिवार के लिए ले जाने से खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, यहाँ की बहुत फेमस मिठाई खुरचन, और ये मैं पिछले 10 सालों से यहाँ से जब भी इधर से गुजरता हूँ तो यहाँ से ये मिठाई अपने घर के लिए लेकर के जाता हूँ। ये खुरचन बहुत बढ़िया मिठाई है, यहाँ की स्पेशल बनती है रामपुर बघेलान से। और मुझे अभी हालांकि आज जाना था मैहर, लेकिन मैं सिर्फ ये मिठाई खरीदने के लिए इस रास्ते से होते हुए मैहर जा रहा हूँ। ये मिठाई विंध्य के कई छोटी बड़ी मिठाई की दुकानों पर मिल जाएगी। खुरचन मिठाई की जगह बदलती है, लेकिन इसके स्वाद में कभी अंतर नहीं मिलता। नरेंद्र पटेल, रामपुर बघेलान, सतना। तो आज के दिन आप भी अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधिए, और भाई अपनी बहनों को आज के दिन उनकी रक्षा का संकल्प देती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।